हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री NCERT क्लास 9। सो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रांस रेवोल्यूशन पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पहली वीडियो में पता ही होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो हमने देखा था कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और क्यों ये इसकी शुरुआत हुई थी। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारी NCERT कक्षा 9 की ये बुक है, ये पूरा का पूरा UPSC मेंस की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 9th क्लास की NCERT से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। एक आध जो क्वेश्चन है वो शब्दावली के ऊपर पूछ लिया जाता है या तिथियों के ऊपर एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, परंतु मेंस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारी NCERT यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9th में हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे और 10th में हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंस की परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, तो जब आप एक मेंस के लिए आंसर लिखते हैं तो इस तरीके के चार्ट्स को आप बना सकते हैं। उससे क्या होगा, जो एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा और वो आपको एक अच्छा अंक यानी कि वो ज़रूर दे पाएगा, यानी कि आप एक बेटर स्कोर जो है वो अपनी परीक्षा में कर पाओगे मेंस के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो देखिए, तो ख़राब फसलें होंगी तो क्या होगा, तो एक तरीके से जब ख़राब फसलें होंगे तो पैदावार कम होगी, जब पैदावार कम हो जाएगी तो खाद्य को लेकर यानी कि फसलों को लेकर यानी कि खाने पीने की सामग्रियों को लेकर दंगे छिड़ेंगे। तो अब जो गरीब हैं वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, अब वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो यानी कि एक तरीके से अन्न का भाव होगा और यानी कि अन्न का भाव होगा और एक तरीके से चीज़ों में कमी आएंगी, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं में कमी आएगी जब खरीद नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा, एक तरीके से महामारी की तरफ वो जन्म लेगी। अब जब महामारी बढ़ेगी तो महामारी बढ़ने का कारण है यानी कि लोगों के मरने की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस चार्ट्स को हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं उभरते मध्य वर्ग में विशेष अधिकारों की अंत की करने की कल्पना। तो किस तरीके से, तो हमने देखो अपने पहली वीडियो में 3 स्टेट्स के बारे में बात की थी, यानी कि जो फ्रांस में है समाज को किस तरीके से बांटा गया था। तो 3 वर्गों में उन्होंने बांटा गया था, पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था एक तरीके से कुलीन वर्ग और तीसरा था एक तरीके से हमारा ये मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग में ये सभी पढ़े लिखे लोग आते थे, जो एक तरीके से किसान होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे यानी कि जो सर्विसमैन होते थे उस समय के, तो वो लोग आते थे। तो उन्होंने एक तरीके से किस तरीके से आवाज़ उठाई और विशेष अधिकारों को ख़त्म करने की उन्होंने कल्पना की। तो देखिए, तो पहले भी कर बढ़ने के लेकर अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके हैं, तो यानी कि करों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहस जो थी वो छिड़ती रहती थी, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यानी कि एक तरीके से जो लोग थे यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके पास ना ही तो सामाजिक ना ही आर्थिक व्यवस्था जो थी जिससे कि वो पूरे समाज में एक तरीके से बदलाव ला सके, कोई उनके पास ऐसा कार्यक्रम या साधन नहीं था। तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समूह और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। तो यानी कि जो शिक्षित लोग थे, यानी कि जो एक आपने हमने पढ़ा था कि एक मध्य वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाने का एक तरीके से फैसला लिया और उन्होंने किया क्या कि एक तरीके से शिक्षित होने पर उन्होंने जोर दिया, और शिक्षित होने पर जब उन्होंने जोर दिया तो एक तरीके से वो उनके विचारकों के संपर्क में आए। तो अब देखते हैं किस तरीके से क्या हुआ। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का जो था वो उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारियों व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। तो ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जा सकता था या समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तो तीसरे एस्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील
जैसे पैसेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता की ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियो जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। तो अपने टू ट्रियोट्रेजिज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, तो रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधित्व के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो मांत्रिक्ष्युद ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। यानी कि एक तरीके से जब ये सभी चीज़ें चल रही थी तो तीन भागों में बांटने की उन्होंने बात की, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आपको पता ही होगा आज वर्तमान समय में भी, चलो पहले हम अपने ही बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा जब भारत का जो संविधान जब लिखा गया था तो जैसे विचार इसमें बताए गए हैं, यानी कि जैसे रूस के विचार बदले थे तो रूस के विचार जैसे बताए गए हैं जनता को लेकर के और शासन व्यवस्था को लेकर के, तो इसी तरीके के सेम जो थॉट्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपने भारत के संविधान में भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा भारत का जो संविधान एक तरीके से किस तरीके से उसको बांटा गया है और किस तरीके से सिस्टम को बांटा गया है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम ये तीनों चीज़ें जानते हैं। तो इसी तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा जो थॉट्स हैं और जो काफ़ी ज़्यादा विचार हैं वो हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को खुद से आज़ाद घोषित कर दिया था तो उसी मॉडल की सरकार बनी। तो फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की प्रेरणा की एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो देखिए, तो उस समय एक तरीके से दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलूनों में गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। तो कॉफ़ी हाउस आपको पता ही होगा, यानी कि एक तरीके से जो एक फ्रांस में उस समय कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, यानी कि कॉफ़ी हाउस जहाँ पर सभी लोग एक तरीके से कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह पी लेते थे। और सैलून का मतलब होता है जैसे नाई की दुकान, जैसे हम लोकल में भी करते हैं, अगर हम कहीं पर कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं एक तरीके से सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक तरीके से कोई ना कोई मुद्दा छेड़ ही देते हैं कभी ना कभी। तो एक तरीके से उस समय ये दार्शनिकों के जो विचार थे इनको लेकर बहस हुआ करती थी, यानी कि पूरी डिबेट चलती रहती थी। तो पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो यानी कि अधिक प्रचार प्रसार कब हुआ था? पुस्तकों और एक तरीके से अखबारों के माध्यम से। तो पुस्तकें एवं अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। तो इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था में विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो एक तरीके से लुई के द्वारा कर लगाने पर विशेष अधिकार वाली व्यवस्था को लेकर विरोध उपड़ा। तो अब देखिए, तो स्रोत कैसे हमें क्या जानने की कोशिश मिल सकती है? तो प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। तो राजतंत्र का मतलब आपको पता ही है, एक तरीके से जो आज वर्तमान समय में भारत जो है एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार का देश है, यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है यहाँ जनता के हिसाब से ही सरकार को चलना होता है। तो यानी कि जो जनता चाहती है, यानी कि जिसको जनता चाहती है अपना प्रतिनिधित्व चुनना, वो उसे चुन सकती है। तो देखिए, तो राजतंत्र का मतलब होता है अपने आप ही हर एक डिसीजंस को लेना, चाहे वो किसी के हित में हो या ना हो। तो अब देखते हैं, तो आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतात ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय की याद करते हुए सन 1793 यानी कि 1793 में अपना एक मित्र को लिखा, तो मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। तो पढ़ाई पूरी तरह होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। तो पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी, तो सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जनजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। तो चर्च में भी मुझे आसरा नहीं दे सका और मैं कोई ओहदा भी जो था वो खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी कि फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। तो पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया और व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया,
लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अवसरों को लेकर उनके विचार थे, यानी कि पढ़ने लिखने के बाद भी जो उन्होंने प्रतिभा एक तरीके से सीखी और जो सब कुछ उन्होंने सीखा, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा जो था वो नहीं देखने को मिल रहा था। यानी कि वो अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अवसर ही नहीं थे तो कहाँ से कर पाते। तो देखिए, तो आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से लेकर 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। तो इस वृत्तांत में टिप्पणी का दिलचस्प है। तो सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर में उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है और जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसे उसमें मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती है, तो उनसे बेहतर बर्ताव करता है जो अपने पीड़ितों की कराए सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं और उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो इस तरीके के जो थे विचार लोगों के रहे थे। तो देखिए, तो क्रांति की शुरुआत अब देखिए, तो पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लुई 16 था वो कर बढ़ा दिया था, यानी कि कर बढ़ाने की वजह से क्रांति की जो थी वो शुरुआत हुई थी। तो उसमें ऐसा क्या था? तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट ने अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक को बुलाकर नए करों में अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी होती थी। तो एक तरीके से राजतंत्र होने के बाद भी वो सभी फैसले खुद नहीं ले सकता था, उसे ऐसा करने के लिए क्या करना होता था, जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा को की बैठक जो थी वो बुलानी होती थी और उससे मंजूरी लेने के बाद वो जनता पर कर एक तरीके से लागू करता था। तो एस्टेट जनरल का एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। तो इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे ऑथेंटिक नॉलेज के लिए कि एक तरीके से जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी। तो 1614 में अंतिम बैठक ये बुलाई गई थी। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदित के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तो प्रतिनिधियों की मेजराबी के लिए वर्सराय के एक आलिशान भवन को सजाया गया। तो महल के दूसरे एस्टेट्स में इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठा दिए गए और तीसरे एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। तो तीसरे एस्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके उपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों और औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी कि किन किन का प्रवेश जो था वो वर्जित था, किसानों और औरतों और कारीगरों का, यानी कि मध्यम वर्ग के जो छोटे काम काज करने वाले लोग थे उनका एक तरीके से वहाँ पर प्रवेश वर्जित था। तो फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो एस्टेट जनरलों के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो इस बार की लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, और परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा जो मतदान है वो कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपना मत देने का अधिकार हो, यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार हो, जिससे प्रत्येक सदस्य को अपने एक तरीके से लोकतांत्रिक सिद्धांत था, यानी कि एक तरीके से क्या था वो, एक तरीके से डेमोक्रेटिकल प्रिंसिपल था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टेंट्स में प्रस्तुत किया था। तो जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि जब बाहर आए तो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानने थे। तो 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के एंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व मिराबेओ और आबेसिये ने किया। तो मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलत पादरी था और उसे तीसरा एस्टेट क्या है
तो शिक्षकों के अंतत प्रभावशाली प्रचार प्रस्तुत पुस्तिका यानी कि पैम्पलेट लिखी। तो ये तमाम तरीके की जो थी वो एक तरीके से पैम्पलेट लिखी गई। तो एक तरीके से जो राजतंत्र था, अब राजतंत्र को किस तरीके से ख़त्म किया गया आपने इस चीज़ को देखा ही होगा। एक तरीके से पहले ये बैठक बुलाई गई, बैठक बुला करके एक तरीके से एक असेंबली बना दी गई असेंबली को, और ये उस पर एक तरीके से परमिशन ले ली गई कि ये असेंबली तब तक भंग नहीं की जा सकती तब तक का सम्राट की जो पावर्स हैं वो कमज़ोर ना कर दी जाए। एक तरीके से उसे एक तरीके से राजतंत्र को ख़त्म करके एक लोकतंत्र नया बना दिया जाए। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोग ये जान ही चुके हैं कि किस तरीके से क्रांति जो थी वो शुरुआत हुई थी और फ्रांस की क्रांति इतना ज़्यादा एक तरीके से चर्चा में क्यों है। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा किसी भी चीज़ का एक तरीके से, जैसे हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखा गया था, तो भारत का संविधान आप लोगों को पता ही होगा संपूर्ण विश्व से एक तरीके से कोई ना कोई विचार जो है, कोई ना कोई विचार किसी ना किसी रूप में हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। यानी कि भारत का संविधान एक सबसे बड़ा हस्तलिखित जो है वो एक तरीके से संविधान माना गया है। ऑलराइट, तो उसमें इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा विचार कौन से देश से लिया गया है और वहाँ पर ये विचार किस तरीके से बना था। तो अब हम लोगों को पता ही चल गया होगा कि वहाँ पर इस तरीके की ज़रूरतों को लोगों ने समझा और इसे अपना एक कानून बनाना जो है वो सही समझा, और फिर इस कानून को भी भारत में लागू किया गया। तो इस तरीके से ये सभी जो तमाम बातें थी वो हुई थी। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र देख लेते हैं कि कब क्या हुआ था। तो देखिए, तो 1774 में यानी कि 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था। तो सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। तो वास्तिल पर हमला देहात में किसानों का विद्रोह जो था वो 1789 में हुआ था। फिर 1791 में क्या हुआ कि सम्राट की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। फिर 1792 से लेकर 1793 तक फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जोकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डेरिटी का शासन ये जो था वो हुआ था। फिर 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और उसके यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है, और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तिथियाँ हैं, ये आपको ऑथेंटिक नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा याद रखने में एक तरीके से आपके लिए बेहतर भी है। ऑलराइट, तो आज का हमारा ये पार्ट टू यहीं पर ख़त्म होता है। तो कल हम लोग एक नए पार्ट के साथ मिलते हैं। तो पार्ट थ्री में हम फ्रांसीसी क्रांति को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।